यो व्हाट्सअप गाइस, तो आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ गैर क्यूब। तो भाई मुझे ये आता नहीं है और मैंने यूट्यूब पर अभी भी अब तक एक वीडियो भी नहीं देखे, और मैंने स्क्रैम्बल ही रखा था, और मैं अब सॉल्व करने का ट्राई करने वाला हूँ। तो भाई मैं सबसे पहले क्रॉस बनाने वाला हूँ, और कहाँ पर मैं ये अब शायद से हमारा क्रॉस बन जाएगा। हाँ भाई, क्रॉस तो बन गया हमारा। अभी हमारा काम है कॉर्नर पीस सॉल्व। एक सेकेंड, यहाँ पर भी क्रॉस कैसे बन गया? ये पीस यहाँ पर जाएगा, तो शायद ऐसे करना पड़ेगा। नहीं यार, इसको कुछ अलग तरीका है सॉल्व करने का। भाई जी, यहाँ पर सारे कॉर्नर सॉल्व क्यों हो गए? एक एच पीस यहाँ पर जाना है, ये बराबर है, शायद होने वाला है सॉल्व। तो ये पीस यहाँ पर जाना है और ये पीस यहाँ पर आना है, तो शायद मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। नहीं यार, ये पीस यहाँ पर जाना है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ठीक है। ओ भाई, सॉल्व भी हो गया। तो भाई अब मैं इस पर एक टाइम सॉल्व कर देख रहा हूँ। यार स्क्रैम्बल करने से पहले ही सॉल्व हो गया। स्क्रैम्बल कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो भाई हमें इसमें सबसे पहले एजेस सॉल्व नहीं करनी, कॉर्नर सॉल्व करने होते हैं। तो मैं टाइमर निकालता हूँ। भाई मैंने टाइमर निकाल दिया है, अब देखते हैं कैसा सॉल्व हो सकता है। ठीक है, सॉल्व हो गई है। तो शायद से सॉल्व नहीं होने वाला है अब। ये हो जा, ठीक है। ओ भाई 54 सेकेंड्स। भाई
ये काफ़ी अच्छा सॉल्व था भाई, मतलब 54 सेकंड बहुत कम टाइम है भाई। और भाई ये बहुत ही अलग सा है भाई क्यूब, भाई ये मेरा फेवरेट क्यूब अब बन चुका है। और ये 2x2 तो है ही भाई, इसकी टर्निंग भी आप देख रहे हो। लेकिन इसकी टर्निंग भाई कुछ अलग है भाई, ये देखो गियर्स। एक और सॉल्व करते हैं, शायद से स्क्रैम्बल अच्छा खासा है। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ कि कैसे सॉल्व करता है, तो ठीक है भाई। हो जाएगा जल्दी, नाइनटीन सेकेंड भाई, बहुत अच्छा है भाई। एक बार यहाँ पर गियर क्यूब का स्क्रैम्बल ये देख लेते हैं। आर प्राइम एफ प्राइम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आर टू एफ प्राइम थ्री एक दो और ये तीन, ठीक है। तो स्क्रैम्बल काफ़ी अच्छा से लग तो रहा है, पता नहीं अभी सॉल्व करते हैं। हो गया भाई 26 सेकेंड। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये क्यूब बहुत इजी है भाई, आपको अगर इस पर ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर इसका ट्यूटोरियल डालूँगा। और भाई अगर ये भी सीखना होगा तो भाई पता रहना, मैंने 3x3 तो आपको सिखाया है, और अगर ये दो भी सीखने होंगे मिरर क्यूब और 5x5 तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। और भाई मेरे पास एक और है भाई, ये मास्टर मॉर्फिक्स, इसे सीखना होगा तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस पर एक चेकरबोर्ड पैटर्न बनाते हैं कुछ इस तरह। चेकर बोर्ड हो जा, राइट। ये स्टिकर वर्जन है मेरे पास, स्टिकरलेस नहीं है भाई ये। भाई ये कितना ही कूल लगता है यार चेकर बोर्ड। तो भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।